शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपकी गोद में हमारा बच्चा खेले। शिवांश ने अम्मा से ऐसा वादा क्यों कर दिया? बात कुछ समझ में नहीं आई। क्या हुआ? बाइक क्यों रोक दी? अब क्या करें? बीवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर बाइक आगे नहीं बढ़ रही। आइए आइए आपको बताते हैं। अब आप कुछ बोलेंगी? भाई आप ही ने तो कहा था कि आपकी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी तो अम्मा की खुशी है, तो हम क्या दिए? और आपकी परीक्षा भी तो छूट रही थी, और आप है कि घर में जड़ जमाए बैठी थी। अब नाक काय फुलाई? हाँ लेकिन शिवान, अरे बाबा हम आपकी फिरकी गुमार हैं, अब हम भी सीख गए गुमाना। हाँ हमने कहा अम्मा को कि बबुआ होगा, लेकिन कब होगा ये तो हमारे ऊपर है ना। लेकिन शिवांश, अम्मा ने कहा है कि वो सिर्फ 12 महीने ही। बीवी जी आप डॉक्टर बनने वाली हैं, अम्मा की फिटनेस देख के आपको लगता है? हम आपको बता रहे हैं कि 5-10 साल अम्मा की पर्ची अभी कटने वाली नहीं है। किन शिवांश, ये तो चीटिंग हुई ना फिर? चीटिंग? देखो अम्मा भी है ना कुछ कम नहीं है, वो रोज नए नए बहाने ढूंढ के लाती है आपका कॉलेज छुड़वाने के लिए। अब इतना बहुत चीटिंग तो चलता है। अब आप जल्दी बैठिए और इस बार बस के पकड़ना। चलिए। लेकिन शिवांश, जीजा जी ने जो पत्री देखी थी वो? देखिए पत्री पत्री पे हमें भरोसा नहीं, हम बस मेहनत और नियत पर यकीन रखते हैं। अब आप जमकर बैठ लीजिए वरना आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। चलिए। बस के पकड़िए। कहाँ हो गया? कहाँ सोचने लगे हैं? सोच रहे हैं कि साले साहब हमका गोल गोल घुमा के का घोटाला कर रहे हैं। घोटाला? का घोटाला? पहले तो बच्चे के नाम पे तंतना गया, फिर नानी के मुंह पे मेहरारू की पढ़ाई का बवाला पटक दिया, और फिर तुरंत पलटी। हम ये सोच रहे हैं कि तुरंत मान कैसे गया ये? तुरंत ही कैसे मान गया? मतलब ये जरूरी है कि वो राजी हो गया है? और कहा है ना कि जो कुछ भी बचा है ना वो हम सब साथ में पता कर लेंगे, ठीक है? वो जो भी हो, लेकिन साले बाबू का मन तो हम टटोल के रहेंगे, और अगर फिर भी बात ना ही ना बनी तो सरहद जी का मन भी टटोल लेंगे। कहा है ना कि श्रवणी का मन तो हम टटोल लेंगे, आप रहने दो है? भैया हमारा ऑर्डर नहीं आया, कितना वक्त हो गया? मैम बस 2 मिनट दीजिए, आ जाएगा। ओके आजू। हाँ भैया। आज बबू भी है? नहीं भैया। ठीक है तुम वो टेबल साफ करो और उसका ऑर्डर लो, बाकी हम देखते हैं। जी भैया। जल्दी करो। अरे भैया 2 समोसे और 1 चाय। एक्सक्यूज मी, हमारा ऑर्डर कौन लेगा? हम लेते हैं, हम लेते। एक गर्मा गर्म चाय हमका भी पिला दीजिए। राजू
हम लेते हैं, तुम बाकी ऑर्डर देखो। धीरा जी, कैंटीन तो विद्यार्थी और स्टाफ के लिए है, आप यहाँ कैसे? आना पड़ा नानी की वजह से साले बाबू। नानी हमका बुलाई, कहने लगी लल्ला के लिए पालना ले आओ, खिलौने ले आओ। हम समझाने का बहुत कोशिश किए, हमने कहा इतना जल्दी का है, मानने को तैयार ही ना। कहने लगी सुनो बाबू, ऊन ले आओ, स्वेटर बुनना है। अब कहा बताए साले बाबू, बुढ़ापा चीज ऐसी है, है? एक बात बताइए, बुढ़ापा तो अम्मा का, आप कहा है इतने जोश में? नानी की बात हम थोड़ी ना टाल सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत काम है, अब जाइए बाजार और लीजिए। अरे साले बाबू, हम दुकान में गए थे। हाँ। अरे साले बाबू, खिलौना लाए हैं, पालने का भी बोल दिए है। लेकिन अब हमने ये सोचा कि बच्चे का बाप तो तुम ही हो, फिर स्वेटर का ऊन जो है वो तुम्हारी पसंद का होना चाहिए, तो सीधा यही चले आए। ये पूछने तो बताइए साले बाबू, कौन सा रंग पसंद है आपको? आपको जो समझ में आए आप लीजिए, हमें बहुत काम है। साले बाबू, हमका तो ये समझ में आ रहा है कि आप नानी को बना रहे हैं। जीजा जी, हम जबान दिए अम्मा को। जबान तो दे दिया कि पड़पोता दे देंगे, लेकिन कब और देंगे भी कि नहीं, ये सब तो आपके ही हाथ में है ना, हैं? हम जो कह दिए ना वही सच है। समझे? एक जूस देना, अभी लाते। पहुंची हुई चीज हो साले बाबू, लेकिन तुम्हारे सट झूठ तक हम नानी को भी पहुंचा के रखेंगे। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।